टिकट देने के मूड में नहीं मूड में नहीं है तो यादव ये सीट भाजपा को दे देगा और इंडी गठबंधन अगर रहा तो कांग्रेस इनका साथी है फिर भी। लेकिन कांग्रेस को जो सीटें चाहिए विधानसभा में मिलेगी तब ना साथ रहेगा। अगर पप्पू यादव को इंतजार रहेगा आरजेडी के कैंडिडेट का तो आएगा तो उसको दिखा देंगे। तेजस्वी तो मान लीजिए दे देंगे, संजय यादव मानेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से विश्लेषण करने के लिए हम जुड़ गए हैं। देखिए दर्शकों, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और इस बदलते राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में लोकसभा 2024 के चुनाव के ख़त्म होने के साथ अब सबकी निगाहें 25 के चुनाव पर है। लेकिन उसके पहले बिहार की कुछ सीटें जिस पर उपचुनाव होनी है, उनमें से सबसे हॉट सीट एक बार फिर से पूर्णिया बन चुका है। लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया हॉट सीट था और विधानसभा के चुनाव में भी पूर्णिया हॉट सीट बनने वाला है, उपचुनाव में भी। दरअसल वहां पर रुपौली की एक सीट है जहां पर बीमा भारती, जो जदयू से विधायक थी, वो तो चूंकि अब आरजेडी में चली गई तो ये सीट खाली हो गया। तो इस पर उपचुनाव होगा 10 जुलाई को। इधर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, तो भाई सांसद का तो वर्चस्व रहेगा, सांसद तय करेगा कि रुपौली किसके तरफ जा सकती है। तेजस्वी यादव ने बड़ी तैयारी की है, पप्पू यादव से बदला भी लेना है और पप्पू यादव को भी तेजस्वी से बदला लेना है। दोनों एक दूसरे के बागी तेवर में हैं। इधर जदयू ने अपने एक प्रत्याशी वहां पर उतार दिए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरजेडी किसे अपना प्रत्याशी वहां पर बनाती है। चूँकि पप्पू यादव भी हैं तो भाई वो भी तो अपना कैंडिडेट वहाँ पर उतारेंगे, उनका भी मन होगा कि हमारा कोई व्यक्ति विधायक बने। तो इधर शंकर सिंह, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से वो काम करते आ रहे हैं, विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही इस बात की चर्चाएं हो गई कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर ने उनसे बातचीत भी की है, जिसकी खबर, जिसके इंटरव्यू आप भारत लाइव पर जाकर देख भी सकते हैं। तो चिराग की पार्टी में भगदड़ मचते ही पप्पू यादव का समर्थन, पूर्णिया में तेजस्वी की नो एंट्री का बोर्ड, पप्पू यादव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आज इस विषय में रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम अपने चंदन झा सर के पास चलते हैं, पूछते हैं चिराग की पार्टी में भगदड़, इसे आप भगदड़ मांगते हैं? जी बिल्कुल, इसे भगदड़ मानेंगे, क्योंकि शंकर सिंह पिछली बार विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे एलजेपी के टिकट पर और लगभग 45,000 वोट लाए थे और उनकी दावेदारी बनती थी। और ठीक है, उस समय एलजेपी साथ में नहीं था एनडीए में, जदयू की बीमा भारती जीती थी, बीमा भारती 4-5 बार जीत चुकी है। वैसी स्थिति में एलजेपी को छोड़ना शंकर सिंह के द्वारा, ये एलजेपी के लिए भगदड़ी कहा जाएगा, क्योंकि हमको लगता है लंबे समय से वो एलजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और एलजेपी के वो एक तरह से कहें जो हार्डकोर कार्यकर्ता के रूप में है, नेता के रूप में भी माने जाते हैं। और आज अचानक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपनी पत्नी के साथ, पत्नी भी उनकी जिला परिषद की महामेंबर है या अध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं क्या करता, मेरे लिए आगे का रास्ता यही था, बिल्कुल बिल्कुल निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूं। और जहां तक आपके लाइन में रखे तेजस्वी की नो एंट्री, तेजस्वी की नो एंट्री नहीं, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, छाछ फूंक के पीता है। तो एक बार पूर्णिया में तेजस्वी यादव बेइज्जत हो चुके हैं पप्पू यादव के हाथों, जी पराजित हो चुके हैं, इनकी इनके कैंडिडेट को जमानत जब्त हो गई। वैसी स्थिति में अगर आप देख लीजिए 2020 का चुनाव, वहां पे भाजपा के विकास चंद्र मंडल थे, वो लगभग 42,000 वोट लाए थे और भाजपा इस सीट पर दावा भी कर रही है, बिल्कुल दावेदारी ठोक चुके हैं, दावेदारी ठोक चुकी है। तो वैसे और आरजेडी ने बीमा भारती से किनारा ले लिया है, उसको टिकट देने के मूड में नहीं है। तब उधर से एक अवधेश मंडल भी जेल से बाहर आ गए हैं, बीमा भारती के पति वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं जो हमको आरजेडी से मिल जाए टिकट। अब क्या पता अवधेश मंडल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वैसे फिर आरजेडी पे आरोप लगेगा जो अपराधियों का बोलबाला है इस पार्टी में। तो वैसी स्थिति में देखना है क्या होता है। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी कहीं भाजपा को ये सीट दे करके पप्पू यादव से पीछे हट जाए,
पप्पू यादव का सामना ही नहीं करना पड़े। अब पप्पू यादव क्या पता जो इंडी गठबंधन के सभी पार्टी के खिलाफ वो प्रचार करेंगे कि केवल आरजेडी के खिलाफ, केवल आरजेडी के खिलाफ प्रचार करेंगे तब तो भाजपा के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, अगर इंडी गठबंधन के सभी के खिलाफ प्रचार करेंगे तब तो भाजपा के खिलाफ करेंगे प्रचार, क्योंकि शंकर सिंह को वो समर्थन दे रहे हैं पप्पू यादव, तो शंकर सिंह को समर्थन दे रहे हैं और रुपौली में पप्पू यादव का लीड भी अच्छा था, तो वैसी स्थिति में पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह को विधानसभा पहुंचा सकता है। तब देखना पड़ेगा जो अब इधर इंडी गठबंधन से कौन से पार्टी से लेके आते हैं, भाजपा आती है कि आरजेडी आती है, आरजेडी में अगर अवधेश मंडल को टिकट दिया जाता है तो वैसी स्थिति में लड़ाई करे टक्कर की होगी। अब वो देखना होगा जो अभी आरजेडी कब तक डिसाइड करेगी, तेजस्वी शायद पटना में नहीं है और मीमा भारती से भी कल मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था जो तेजस्वी जी से बात करने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे और वो कह रहे थे जो हम नहीं लड़ेंगे हमारे पति लड़ेंगे, ये यहाँ तक उन्होंने कहा था जो हम पहले लालू जी से बात कर लेते हैं, लालू जी ने सहमति दे दी है और लालू जी सहमति दे दिए हैं तो अब तेजस्वी जी का इंतजार हो रहा है, तेजस्वी का क्या मतलब संजय यादव का इंतजार हो रहा होगा, तो मतलब कहें तो एक तरह से उन्होंने मौन सहमति दे दी है और हमको लगता है जो हमारा ही परिवार में ये टिकट रह जाएगा, लेकिन वहाँ पर आरजेडी खेमे में लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इतनी करारी हार के बाद अगर बीमा भारती को या उनके पति को टिकट मिलती है, एक तो इनकी करारी हार, इनके पति की आपराधिक छवि, वैसी स्थिति में हमको लगता है जो पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है और उसी कारण से इतनी देरी हो रही है, क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुका है 14 तारीख से ही और चलेगा हमको लगता है 21 तक, 20 तारीख को शंकर सिंह नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो वैसी स्थिति में अब ये देखना होगा जो अब बीमा भारती टिकट लेती हैं, बीमा भारती की इच्छा थी जी उनकी बेटी भी चुनाव लड़े जी, उनकी जी। बेटी के लिए भी चर्चा कर रही थी और ये नहीं तो कम से कम हमारे पति को टिकट मिल जाए, इधर भाकपा की दावेदारी भी हो गई है, अब भाकपा अच्छा वोट भी लाई थी पिछली बार जो, तो इस तरह से कहें जो बीमा भारती के लिए अब ये कहें जो अगर इस बार टिकट नहीं मिलता बीमा भारती के लिए तो उनकी राजनीतिक कहें जो अब क्या कहें रास्ता करियर वो लगभग अब समाप्ति की ओर जाएगा। 5 बार विधायक रहने के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है, नहीं जीतती हैं, तो उसके बाद कोई दूसरा वहां से टिकट लेकर के जीत जाता है, तो वैसी स्थिति में पॉलिटिकल कैरियर जो है उस बीमा भारती का हम देख रहे हैं जो अब खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। तेजस्वी यादव क्या करेंगे पूर्णिया में, क्या वो जाएंगे या फिर छोड़ देंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पप्पू यादव की वजह से लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे 2025 में देखा जाएगा। 2025 में तो वो कांग्रेस के साथ रहेंगे और इंडी गठबंधन अगर रहा तो कांग्रेस इनका साथी है, फिर भी लेकिन कांग्रेस को जो सीटें चाहिए विधानसभा में मिलेगी तब ना साथ रहेगा। हाँ ये तो एक बात है, क्योंकि इन्होंने कल या परसों कहीं एक किसी रिपोर्टर को बाइट दिया पप्पू यादव ने, तो अगर कांग्रेस मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी तो मैं सांसद का पद त्याग सकता हूँ। अब बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, प्रदेश अध्यक्ष ये भी खबर हम ही ने चलाया था सर, कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है उनको, तो प्रदेश अध्यक्ष रहता है तो बार्गेन वही करता है, अखिलेश सिंह टाइप का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं होंगे वो, अखिलेश सिंह पहले लालू के साथ रहे कई सालों तक, लालू के कैबिनेट में मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे अरवल के, लालू जी ने कहा था कि फोन करके हम ही बनवाए थे इसको, हाँ एमपी हम ही बनवाए थे, फोन करके सोनिया जी से हम बात किए थे, हम ही बनवाए थे, तो वैसी स्थिति में जो लालू जी जिसको एमपी बनाते हैं वो लालू प्रसाद के सामने मुंह खोल पाएगा अपनी बात रखने के लिए, और जिस व्यक्ति को हराने की बात कह के तेजस्वी आए वो तो डंके की चोट पे सीट मांगेगा, नहीं तो चल जाएगा दूसरे गठबंधन में और कहेगा अकेले लड़ लेंगे हम, तो वैसी स्थिति में ये प्रदेश अध्यक्ष हमको लगता है जो इसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को काउंसलिंग भी की है, जो आज आप जो थोड़ा सा से पीछे रह गए उसमें बिहार बहुत बड़ा फैक्टर है, बिहार में 9 सीटें आपको मात्र मिली, 9 में वैसी सीटें मिली सीमांचल को छोड़ के जहाँ पे आप कभी लड़े नहीं, कभी जीते नहीं, कभी लड़ते थे 60-62 के टाइम में, उस समय कांग्रेस का ही युग था तो उस टाइम में जीते थे, तो उसकी गिनती आज तो नहीं होनी चाहिए, कैंडिडेट भी वैसे दिए गए जो मन लायक नहीं था, मन लायक नहीं था, तो ये चीज लगता है कुछ काउंसलिंग की गई है पप्पू यादव के द्वारा, और अब हो सकता है जो संसद के सत्र शुरू होते या संसद के सत्र खत्म होने के बाद कुछ कांग्रेस के तरफ से विभिन्न राज्यों को लेकर के जो फीडबैक लिया जा रहा है तो उसमें कुछ
एक तरह से कहें जो वो मतलब वो हो सकता है जो कुछ फेर बदल की भी संभावना हो सकती है। तो अब पप्पू यादव के पाले में गेंद है, पप्पू यादव क्या क्या करते हैं तो उसके बाद पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर मुझे लगता है कि पूर्णिया में बनने जा रहे हैं एक बार फिर से। आगामी विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर बनेंगे, क्योंकि पप्पू यादव अगर कांग्रेस की तरफ से कोई उनको पद मिल जाता है और जब वो आरजेडी और जो कांग्रेस की तरफ से बात करने की जिम्मा उनको दी जाती है, तो वैसी स्थिति में अब जो पिछली जितनी चुनाव में लालू यादव ने उनको एक तरह से प्रसाद के तौर पे कुछ कुछ दिया, लोकसभा या विधानसभा का टिकट या सीट, वो इस बार तब नहीं होगा। वैसी स्थिति में इस लड़ाई को अगर ख़त्म करना है या इस लड़ाई को थोड़ा सा अगर मतलब कम करना है या कहें जो और इसको धीमा देना है, धीमी आंच पे, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी को इस सीट पे भाजपा के टिकट पर उतार देना चाहिए। भाजपा पूरा मामला ही डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा मामला ही डाइवर्ट। अब इसमें सोचना होगा पप्पू यादव को क्या करें। हाँ, डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर पप्पू यादव को इंतजार रहेगा आरजेडी के कैंडिडेट का, आएगा तो उसको दिखा देंगे। तेजस्वी तो मान लीजिए दे देंगे, संजय यादव मानेंगे? एक आदमी जैसे एक मोहल्ले में एक आदमी को अगर आप डांट के मार के भगा देते हैं, हाँ, तो दोबारा उस मोहल्ले में आप तुरंत जाइएगा? नहीं नहीं, दो चार महीने के बाद जाइएगा ना, दिन बाद जाएगा, दो चार दिन मामला बदल जाए, ठंडा हो जाएगा। हाँ, हाँ, आप अगल बगल से भी शरमाइएगा, जहाँ हमको डांटा था वहाँ पर किराना का दुकान वाला हमको देखा था, सैलून वाला देखा था, कपड़ा वाला देखा था। जिस हिसाब से पूर्णिया की कहानी पूरे देश में चर्चा में आ गई और ये जीत के पप्पू यादव आ गए उस जगह पे, हमको नहीं लगता तेजस्वी यादव इतनी जल्दी फिर दो दो हाथ करने को तैयार होंगे। इसलिए अभी तेजस्वी यादव, हमको लगता है ये तो हम लोग आकलन है, हो सकता है जो लालू प्रसाद यादव इस सीट को न छोड़े, किसी और नए टाइप के लोगों को दे दें, लेकिन हम लोग का अपना आकलन है जो तेजस्वी यादव ये सीट भाजपा को दे देगा, क्योंकि किसी भी संगठन के किसी भी घटक को कोई नाराज अभी नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो स्ट्राइक जो रेट है भाजपा का लेफ्ट का, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो काफ़ी अच्छा है। तो वैसी स्थिति में और कहीं कहीं नहीं जीती वहाँ टक्कर भी दी, तो वैसी स्थिति में लेफ्ट को नाराज करके आरजेडी नहीं चलने वाली है। नाराज करने के लिए वो एक ही पार्टी है आरजेडी के पास, कांग्रेस, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है खासतौर पे बिहार में। हाँ, बिहार में उसको चाहे कितना भी लालू सीट दे दें, उस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लेफ्ट को नाराज नहीं करेगी। चलिए देखिए, मानना है उनका। देखिए, तो पप्पू यादव बड़े फैक्टर पूर्णिया में होंगे, तेजस्वी यादव का फैसला क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन शंकर सिंह ने राजनीति माहौल को गर्मा दिया है एक बार फिर से। एक ऐसा प्रत्याशी जो काफी मजबूत प्रत्याशी है निर्दलीय मैदान में उतर रहा है, पप्पू यादव का समर्थन मिलेगा ऐसा स्पष्ट हो चुका है। मतलब पूर्णिया की पहचान कहीं निर्दलीय से ना हो जाए, निर्दलीय से ना हो जाए, बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट कार्ड थी, ऐसे ही तमाम रिपोर्ट कार्ड हम आप सभी दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।